हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट मैथ सब्जेक्ट ऑफ क्लास फोर्थ। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली। सो लेट्स कंटिन्यू। सो स्टूडेंट, एज वी नो दैट वी हैव कंप्लीटेड फोर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1 एंड टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू चार्ट एंड देन राइट इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बच्चे कह रहा है कि निम्नलिखित डेसिमल नंबर को हमें प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, लिखना है और उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखनी है। ठीक है, कहा है ना, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू चार्ट, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को उनके प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिखिए एंड देन राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, और फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कीजिए। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट में हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए करते हैं बच्चों। तो बच्चों, मैंने यहां पर देखिए एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों यहां बीच में पॉइंट होता है, इधर को क्या होता है टेंथ, यानी टी ई एंड टी एच एस टेंथ। ठीक है, टेंथ यानी 1/10, हंड्रेड्स यानी 1/100, यानी इधर के को क्या आते हैं डेसिमल पार्ट आते हैं, और इधर को क्या आता है होल पार्ट आता है। तो होल पार्ट आप जानते हैं क्या चलता है, वंस टेंस हंड्रेड्स। ठीक है, इस तरह चलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट आपके लिए तैयार कर रखा है, बीच में पॉइंट होता ही है। अब हमें बच्चों पहला नंबर दिया है 7.8, क्या दिया है 7.8। तो बच्चों 7.8 का पॉइंट यहाँ आ गया, अब जो डेसिमल पार्ट है वो इधर होगा, यानी टेंथ प्लेस पर होगा, तो यहाँ आ गया 8 और इधर आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा इधर 7। ठीक है, तो ये हो गया 7.8, क्लियर हो गया ए वाला। क्वेश्चन नंबर बी हमें दिया है 5.93, तो 5.93 3 कहाँ आएगा 100 प्लेस पर। उसके बाद बच्चों हमें दिया है 45.02। ठीक है, तो 45 यानी टेंस पर क्या आएगा 4 और 5 आएगा वंस पर, फिर आएगा पॉइंट, फिर आएगा 0, फिर आएगा 2, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमें दिया बच्चों 681.57, तो 681, तो 6 आएगा 100 प्लेस पर। ठीक है, तो 681, फिर हमें दिया है पॉइंट, फिर दिया है 5, फिर दिया है 7, क्लियर हो गया है। उसके बाद आया है 150.07, तो 150.07। तो इस तरह से बच्चों हमने इसको दिखा दिया है कहां पर, प्लेस वैल्यू चार्ट पर। ठीक है, तो हमारी पहली बात क्लियर हो गई है, जो उसने कहा था प्लेस वैल्यू चार्ट पर दर्शाइए वो हम दर्शा चुके हैं, लेकिन उसने कहा है कि उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, क्या लिखनी है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमें फिफ्थ का ए दिया है, क्या दिया है 7.8, बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो बच्चों जो होल पार्ट होता है उसको तो हम जैसे हम सिंपल नंबर को लिखते हैं ना एक्सपेंडेड फॉर्म में, वैसे ही लिखते हैं, लेकिन जो पॉइंट से इधर वाली यानी राइट हैंड वाली डिजिट्स होती हैं उनको हम किसमें लिखते हैं डेसिमल पार्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, यानी ये 8/10 होगा तो 8/10 लिखा जाएगा, ये क्या है 7/1 है, तो यहाँ पर 7 फिर प्लस 8/10 क्योंकि ये 8/10 है, क्लियर हो गया है। फिर इसका हमें बी दिया है, तो बच्चों बी में हमें दिया है 5.93, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 5 प्लस, ये तो वंस प्लेस पर ही है तो 5 का 5 भी आएगा, 9 जो है 10th प्लेस पर है तो 9/10 होगा, प्लस 3 जो 100th प्लेस पर है तो 3/100 होगा, क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर सी देखें, 45.02 दिया है, तो बच्चों अब 45 है, तो 45 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 40 प्लस 5 लिखेंगे, प्लस अब 0 को छोड़ दो क्योंकि 0 को हम नहीं लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, तो बच्चों 200th प्लेस पर है तो अपॉन में क्या आएगा 100 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट होता है, बी होता है, सी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर डी देखें, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर डी है 681.57, तो ये हो जाएगा बच्चों 681 को लिखो, क्या लिखेंगे 600 प्लस 80 प्लस 1, यही तो लिखेंगे, तो यहां पर मैं लिख देता हूं
600 प्लस 80 प्लस 1 प्लस 5 तो 10th प्लेस पर है, तो 5 अपॉन 10 प्लस 700 प्लेस पर है, तो 7 अपॉन 100 क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर आता है ई, क्वेश्चन नंबर ई है बच्चों 150.07, तो इसको मैं लिखूंगा 100 प्लस 50, जीरो को छोड़ दो, ये वाला जीरो भी छोड़ दो, 700th प्लेस पर है तो 7 अपॉन 100। तो बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 भी एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 हमारी फिनिश हो चुकी है क्योंकि हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, कंटिन्यू योर वर्क।